एक तर्ज का जहाँ जिंदगी के कई अहम साल गुजारेगा। ये दरुदी बाल बाल जो हर पल पल हर घड़ी घड़ी एक एहसास दिलाते हैं कि कोई है नहीं है। हाँ हाँ कोई है नहीं है। दुनिया में अगर 5 अरब इंसान है तो जिन्नात की तादाद उससे 5 गुना ज्यादा है। वो इमारतें कि जो खाली रहती या फिर खलाजत हो जहां पे, वहां पे अपना ठिकाना बना लेते। जो अच्छा हाफिज है, अच्छा कारी है, खुश अलहान है, वो फितरत बहुत अच्छी है, तो उससे मुतासिर होते और फिर उससे इंसान के रूप में आते, बच्चों के रूप में आते, उसे तालीम हासिल करते। मैं इन बातों में यकीन ज़्यादा नहीं करता था। मैं भी उस रात से 3 लोग रुके थे, मैं, रैन मनकानी और उर्फा हमारी क्लास में एक और थी। खिड़कियाँ क्या बंद थी, सर्दियों का होता। मैं अपना बाथरूम बाहर की तरफ हमारा था, मैं बाथरूम में गया लाइक इन बैक, तो मुझे पीछे कुछ आवाज़ आई ना चलने, जैसे कि कोई पाँव रगड़ने की आवाज़ होती है उस तरह की। तो आई लुक बैक थिंकिंग ऑफ दी समवन देयर, बट कोई था नहीं। मैंने कहा शायद ऐसी भी आवाज़ आई हो। मेरा वो टीचर पे आने काम का बहुत बोझ होता है, मैंने कहा इस तरह की चीज़ हुई। तो आई केम बैक, हम कमरे में बैठे, तो मैं जैसे ही बैठा तो ऊपर पंखे लगे हुए थे, लाइटें लग रही हैं, और एक पंखा उनमें से बंद थे सारे, एक पंखा खुला जिसमें साल उस तरह हिलने लगा। तो मैंने बाकी दोनों से कहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तुम लोग देख रहे हो क्या हो रहा है। तो सबने पूरी तरह से परेशान है, सबने देखे खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद है सारी। तब काफ़ी देर भी हो रहा था, कुछ 1-2 मिनट का ही टवक था शायद, मगर काफ़ी लंबा लग रहा था। 1-2 मिनट के बाद मैंने बस कहा कि अच्छा आप जो भी हैं हम काम कर रहे हैं, आप हमें काम करने में तो मेहरबानी हुई, इस तरह की बात कही मैंने। तो एकदम से वो पंखा रुक गया और फिर से खामोशी हो गई। कुछ चल रहा है या कोई चीज़ किसी ने रखी, वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिली, गायब हो गई। बाद में आके देखा काफ़ी तलाश और बसियार के बाद वो चीज़ वहाँ मौजूद है। डाकू में काफ़ी अंधेरा होता है, वहाँ पे सिर्फ रेड लाइट जल रही होती है। तो हम लोग काम कर रहे थे, आपस में बातें भी करते जा रहे थे। आशा ने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैंने पैकअप शुरू कर दिया, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है चली जाता हूँ। तो खैर उसने पूरा सामान वगैरह समेटा और फिर चली गई। अच्छा मुझे ये बात पता थी कि वो जा चुकी है। फिर क्या होता है कि सुनैरा जो है वो मुझसे कहती है कि कैंची दे दो, वो कैंची से उसको कुछ काटना था, तो कह रही थी कि कैंची दे दो, कैंची दे दो। तो मैंने कहा देखो वहीं पड़ी है, तुम उठा के ले लो। कहीं नहीं नहीं मुझे हाथ में, तो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कहा देखो वहाँ ही तुम्हारे पास पड़ी है। कहीं नहीं नहीं तुम करीब मुझे ला के दो। खैर मैंने कहा अच्छा रुक जाओ ना, मैं पहले अपना काम कर दूँ। तो इतनी देर में मुझे आशा सुन लो जो जा चुकी थी 10 मिनट पहले, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है कैची तो मेरे पास है। और मुझे ये बात उस पर कंफर्म थी, इतनी क्लियर थी ये आवाज़ कि मैंने कहा ये क्या था। खैर की तमाम ताकत अल्लाह की, शर की तमाम ताकत अता करदा हुई अल्लाह की तरफ से अता की हुई शैतान। उनमें जिन्नात भी हैं जो कि शर पसंद है, जैसे इंसान शर पसंद है इस तरीके से जिन्नात भी शर पसंद है और वो नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे साथ 2 दफा हुआ है। उसके बाद हम खैर डेवलप कर रहे थे जो डार्क रूम में जो हुआ था, तो मेरे फोटोग्राफ पर ना अलग अलग किस्म के काले धब्बे आ रहे थे, जो मतलब समझ नहीं आ रही थी क्यों हो रहा है। मैंने हर इनलाजर पे काम किया, जैसे एक इनलाजर था तो हर मशीन पे मैंने काम किया कि इस पे निकल आएगा, उस पे निकल आएगा, मगर एक होता है दिल में होता है कि कुछ है। मैंने बोला नहीं है, मैं अभी भी करूँगी, वापस क्या, और फिर भी वही हो रहा था। और सिर्फ मेरे काम के साथ हो रहा था, जबकि पेपर सब हम एक ही इस्तेमाल करें, सब एक ही चीज़ यूज़ करें, ये नहीं है कि मैं कोई गलत चीज़ इस्तेमाल करी थी। यार फिर मुझे हुआ कि कुछ कोई और चीज़ है, क्योंकि सब दोस्त भी बैठे थे। और फिर मैंने अपनी टीचर को बुलाया, उनने भी किया, उनसे भी नहीं हुआ, उनसे भी मैंने डांट खाई। उसके बाद मैं बस निकल गई वहाँ से कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने छेड़ा है और कुछ है यहाँ पर।
मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ये सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग की इसी कोने के ऊपर बैठा हुआ था। मैं रात का वक्त था, 10:30 बज रहे थे और ग्राफ बना रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे सीधे हाथ चैनल पे लाइट कम आ रही है, तो मैंने ऊपर देखा तो ऊपर हैंगर, हमारे ऊपर हैंगर्स लगे हुए, उसके अंदर ट्यूबलाइट है वो बंद है। तो मैंने इस इशारा करते हुए लाइट की तरफ मेहरीन को बोला, मेहरीन यार ये लाइट जला दो, मुझे है ना मसला हो रहा है काम करने में। मेहरीन उस तरफ देखती है लाइट की तरफ, वो होती अच्छा मैं जलाती हूँ। वो पीछे गई, उसने सारे स्विचेस ऑन कर दिए ताकि पता चल जाए कि किससे ये लाइट जल रही है। वो वापस वहाँ पे देखती है तो एकदम उसकी घबराई हुई सी आवाज़ आती है, बोलती है सागर तुमने कौन सी लाइट जलाने को कहा। मैंने कहा यार ये इधर अभी दिखाई तो थी, उसने कहा उधर देखो, और जब मैं उधर वापस देखता हूँ तो वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है। तो उस वक्त हम लोगों की दोनों की ऐसी फीलिंग हो रही थी कि यार ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ना हम लोगों ने उनको कोई तंग किया है ना कुछ किया है। और हम लोग वहाँ पे रोजाना तकरीबन रोज रात देखते थे हम लोग। मैं इस तरफ जब काम करता था अपना जकार्ड के ऊपर, तो इतने वाकयात होते थे कि मैंने बाहर आके बताने ही छोड़ दिया था कि ये लोग है ना, लोग डरेंगे कुछ होगा। लगता है कि इधर कोई चीज़ होगी इस तरह की, कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं किसको महसूस हुआ है? मैं निशानदही कर चुका हूँ कि ये जो आपका बैग वाली जगह है जहाँ ये मीनार गालबन प्रिंटिंग सेंटर होती है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का है हुआ है। एक दफ़ा यहाँ पे ऊपर बैठे थे, मैं अकेली थी, हम लोग प्रिंट मेकिंग करते थे इस नुसरवान जी के सेकेंड फ्लोर पर। तो सब घर चले गए थे और मैंने सोचा कि थोड़ा और काम है, 15 मिनट का मैं करके जाती हूँ। तो एकदम से नहीं, खिड़कियाँ बंद खुल होने शुरू हो गई, सारी पत्तियाँ हिल रही थी। और तब भी मुझे हुआ कि कुछ है, मगर मेरे ख्याल में मैं हर एक इंसान का अलग कोई हर अलग किस्म के इंसान होते, मैंने सोचा नहीं अगर है भी तो मैं नहीं है कुछ, मेरा वहम है। फिर मैंने वापस काम शुरू कर दिया। उसके बाद सारी उससे लगाते चिपटी होती है ना कपड़े लगाते, उससे पेपर लगाते, सारे पेपर टक 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 करके जमीन पे गिरने शुरू हुए, जबकि पेपर इतनी आराम से टक करके जमीन पे नहीं गिरते। उसके बाद मुझे हुआ कि अब भागो, तो फिर मैं भागी चौकीदार के पास गई। क्या ये हकीकत है या फिर लाशौर में बनने वाले वसवसों का खेल जो तारीख रातों में अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं? फायजा? हाँ बोलो। कहाँ जा रही हो? आज रात को तो शूट है। क्या हो गया सरवत, कल रात को तो शूट की थी। क्या